प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन का मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट की जो प्रॉपर्टी है, जो इंडस्ट्री है, जो चीज़ उसकी अपनी है, उसे उसने प्राइवेट को, इंडस्ट्रियल को या किसी को बेच दिया है, पैसा ले लिए हैं, जो कि उस वो बजट में या किसी भी चीज़ में वो लगाएगी, अपनी हिस्सेदारी को उस चीज़ से ख़त्म कर दिया है। जैसे कि गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं, बैंक्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, बहुत सारी कंपनीज़ हैं, तो उसमें से किसी कंपनी को वो अगर बेच दे रहा है तो वो प्राइवेटाइजेशन है। तो प्राइवेटाइजेशन का मतलब ये है कि गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस उसमें नहीं रहा। पहले सारी चीज़ गवर्नमेंट देखती थी, अब प्राइवेट देखता है। प्राइवेट मतलब लोग देखते हैं, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट जिसने वो खरीदा है वो देखेगा, उसके हिसाब अपने हिसाब से वो चलाएगा। तो गवर्नमेंट की ओनरशिप ख़त्म हो गई। इसके कुछ नुकसान भी होंगे, पहले नुकसान ही पड़ते हैं। तो इसमें अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि जो गवर्नमेंट से प्राइवेट में जाएगा तो प्राइवेट वाला ज़्यादा लोगों को रखेगा नहीं, तो वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, रोज़गार नहीं बढ़ेगा, क्योंकि उन लोगों को वहाँ से कम ही करेगा, वेलफेयर के ऊपर काम नहीं करेगा, लोगों के भले के लिए ज़्यादा काम नहीं करेगा, अपने प्रॉफिट के लिए ज़्यादा काम करेगा। इनइक्वलिटी बढ़ेगी, मतलब गैप बढ़ेगा लोगों के बीच में, जो काम करना कर रहा है सब पास ज़्यादा पैसे होंगे, तो और जो काम जिन्हें काम नहीं मिल रहा है वो बहुत नीचे हो जाएंगे, तो इनइक्वलिटी मतलब समान नहीं रह पाएंगे, ज़्यादा बढ़ जाएगी। प्रॉब्लम फाइनेंसिंग, मतलब पहले तो गवर्नमेंट पैसा दे रही थी, अब प्राइवेट जो जिसने लिया सारा हैंडल उसे ही करना है, उसे ही पैसा लगाना है, तो प्रॉब्लम आ सकती है। वीकर सेक्शन को इग्नोर करना है, जो गवर्नमेंट के स्कूल हैं मान लो, तो वो तो उसमें फ्री में बच्चे पढ़ते हैं, और प्राइवेट में कितना महंगा है, तो उसमें इसका मतलब ये है कि प्राइवेट वाले इग्नोर कर सकते हैं वीकर सेक्शन को, क्योंकि उन्हें प्रॉफिट वहाँ से मिलेगा नहीं। इग्नोर कर सकते हैं नेशनल इंपॉर्टेंस को, उन्हें अपना प्रॉफिट ज़्यादा प्रायोरिटी वो देंगे। ये थी लिमिटेशंस ऑफ प्राइवेटाइजेशन।